नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का प्रेडिक्शन है धनु राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2021। धनु राशि जिसका ये सिंबल है धनुष, जो अपने टारगेट को फिनिश करने वाला होता है, उनका निशाना बहुत पावरफुल होता है। तो ऐसे धनु राशि वाले जातकों के लिए बात करेंगे आज के प्रेडिक्शन के अंदर। आने वाला महीना सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा? तो प्रथम बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह गुरु ग्रह की ट्रांजिट से। गुरु ग्रह का प्रेडिक्शन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको कमांड करने वाले ग्रह जो है वो गुरु हैं। तो आप नॉलेजेबल तो है, आपके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके राशि के मालिक हैं गुरु। और उसके कारण जो गुरु है, इसके कारण आप हर परिस्थिति के अंदर कुछ भी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो आप खुद ही उसका निवारण ढूंढ लेते हो और इस परिस्थिति में से, मुश्किल परिस्थिति में से बाहर निकल जाते हो। तो गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु रिलेशन के कारक हैं। हालांकि रिलेशनशिप में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, क्योंकि जो आपकी राशि के अंदर जो नक्षत्र पड़ते हैं, मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, ये तीनों तीन ग्रह जो नक्षत्र हैं, मूला पूर्वाषाढ़ा का कॉन्ट्राडिक्शन है योनि के कारण, और उत्तराषाढ़ा जो है वो मूला के लिए विपत्ति नक्षत्र है। तो और राशि अपनी आपकी जो है वो अग्नि तत्व की राशि है, तो कोई आपको कमांड करे ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी के अंडर में रहना आपको पसंद नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि ऐसे जातकों को खास करके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम प्रैक्टिकली हमने देखा है, जिनका जन्म का सूर्य धनु राशि के अंदर है या जिनका जन्म का चंद्र धनु राशि के अंदर है। तो सूर्य धनु राशि में कब होता है? जनरली 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में जो कोई भी जातक का जन्म होता है, ये जातकों का जो सूर्य है वो धनु राशि के अंदर होता है। तो यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों धनु राशि के अंदर है तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करेगा। तो प्रेडिक्शन में बात कर रहे थे गुरु, सबसे पहले बात करेंगे गुरु ग्रह की ट्रांजिट से। गुरु ग्रह आपके पराक्रम स्थान के अंदर है, अभी भी है और 14 सितंबर तक है। तो ये ग्रह गुरु का जो ट्रांजिट है आपके लिए पराक्रम स्थान के अंदर है, आपकी पूजाओं के ऊपर है, आपके साहस भुवन के अंदर है। तो ये गुरु आपको नए साहस करवाएंगे, आपके अंदर जोम उत्साह ये क्रिएट करने वाले हैं। और उसके साथ साथ आपके जो रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर्स एवं नेबर्स की ओर से भी आपको ये बेनिफिट करने वाला है। अविवाहित जो जातक हैं इनको विवाह, एंगेजमेंट इत्यादि के भी योग क्रिएट होते हैं। भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, मित्रों से लाभ करने वाले हैं, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि करने वाले हैं। तो 14 सितंबर को गुरु राशि परिवर्तन करके वक्री होकर चलेंगे आपके तन स्थान के अंदर। तो यहाँ पर चलेंगे गुरु शनि के साथ चलेंगे, तो क्या होगा कि ये ट्रांजिट जो है गुरु का गनिष्ठ नक्षत्र में है। तो खास करके जो कोई भी जातक जिनका भी जन्म हुआ है पूर्व षाढ़ा नक्षत्र में, तो इनके लिए जो ये गुरु हैं आपके क्षेम तारा के अंदर चलेंगे, और जो शनि आपके लिए विपद बनकर बैठे हैं धन स्थान के अंदर, तो यहाँ पर शनि थोड़ा, शनि का जो अशुभत्व है ये गुरु कम करेंगे। तो पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर, जो कुछ भी आप स्ट्रेस टेंशन महसूस करते हैं, यदि आपका जन्म पूर्व षाढ़ा नक्षत्र में है धनु राशि में, तो गुरु आने के बाद शनि का जो अशुभत्व है ये थोड़ा गुरु कम करेंगे। हालांकि इतना भी कम नहीं होगा, क्योंकि गुरु के लिए भी ऐसा कहते हैं कि भावति भाव दोष कारकम, जिस भाव में गुरु बैठते हैं उस भाव के फल को गुरु थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन फिर भी गुरु एक शुभ ग्रह है। तो जो शनि का अशुभत्व है इसको थोड़ा कम करेंगे।
तो बदलने के बाद गुरु की दृष्टि होगी आपके रोग रुण एवं शत्रु भाव के अंदर, तो आपको रोग शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे, आपके आयुष्य बल में भी वृद्धि करने वाले बनेंगे, आपके इन लॉस की ओर से भी आपको लाभ रहेगा और ये गुरु आपके बिजनेस और कैरियर को इम्प्रूवमेंट करने वाले होंगे। तो गुरु ग्रह का ट्रांजिट बदलने के बाद भी आपके लिए बहुत शुभ है। प्रिडिक्शन में बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के ट्रांजिट के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो फल है, ये मयूर का आवाज आप सुन रहे हैं, ये हमारे पास में ही एक नीम का पेड़ है, इसके ऊपर यहाँ पर ये ऑलवेज ये जो मोर है वो बैठता है, और आप अभी आपने सुना इतना इतना मधुर आवाज है। मयूर जो है ये खास करके माता जी का वाहन है और कार्तिकेय भगवान का भी वाहन है। तो ऐसे तो तमाम जो पक्षी हैं इनकी आवाज मधुर है, लेकिन इसको एक विशेष दर्जा उपलब्ध है और इसकी आवाज भी बहुत फाइन है, इसके पंख भी बहुत फाइन है। पंख भी एक आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये मयूर पंख जो है ये कृष्ण भगवान को भी बहुत प्रिय है। तो जो कोई भी जातक पढ़ाई कर रहे हैं इनको एक मोर पंख जो है इनको अभ्यास के टेबल के ऊपर या तो अपने जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर रखना चाहिए। तो गुरु ग्रह का ट्रांजिट के बारे में बात किया, अभी गुरु जो है आपके लिए शुभ फल देने वाला है। सूर्य ग्रह की ट्रांजिट के बारे में बात कर रहे थे। सूर्य ग्रह का जो फल है आपके लिए, सूर्य आपके भाग्य स्थान के अंदर है, 16 सितंबर तक सूर्य आपके भाग्य स्थान के अंदर है। रात को 1:14 को यानी कि तारीख हो जाएगी 17, और जो सूर्य चलेंगे आपके 10वें स्थान के अंदर कन्या राशि के अंदर। तो सूर्य बदलने के बाद भी आपके लिए बहुत शुभ है। सूर्य आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, आपके बिजनेस और कारोबार को बढ़ाने वाले हैं। तो महत्व की ट्रांजिट हो रही है। मंगल ग्रह भी आपके राशि से परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल आपके भाग्य स्थान से निकल कर चलेंगे 10वें स्थान के अंदर 5 तारीख को। तो 10वें स्थान में मंगल का भी फल बहुत शुभ है, राजयोग कारक है। बिजनेस और करियर को लेकर जो ये मंथ है आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला मंथ है। तो लव मैटर कारक ग्रह शुक्र ग्रह की ट्रांजिट आपके लिए क्या कहती है, आइए जानते हैं इसके बारे में भी। तो शुक्र का जो भ्रमण है वो कन्या राशि के अंदर 10वें स्थान के अंदर है। जो कोई भी जातक लग्जरियस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, होटल मोटल रेस्टोरेंट्स कपड़े ब्यूटी पार्लर सलून इत्यादि जो व्यवसाय से कनेक्टेड हैं, ये जातकों के लिए बिजनेस में कारोबार में तेजी देखने को मिलेगी। और 5 तारीख को जैसे ही शुक्र आपके लाभ स्थान के अंदर चलेंगे तो ये ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, लव मैटर में सक्सेस देने वाला है। तो कुल मिला के क्या कहेंगे, इस मंथ का सारांश क्या रहेगा। बुध ग्रह की ट्रांजिट भी देख लेते हैं। बुध ग्रह का जो भ्रमण है वो कन्या राशि के अंदर है। 28 अगस्त को बुध कन्या राशि के अंदर आ जाते हैं और ये चलेंगे 22 सितंबर तक। राशि से 10वें स्थान के अंदर बुध ग्रह का जो भ्रमण है वो भी आपके लिए बहुत शुभ है। और 22 तारीख के बाद चलेंगे बुध शुक्र के साथ 11वें स्थान के अंदर, तो ये ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला होगा। कुल मिला के क्या कहेंगे, सेप्टेम्बर का सारांश क्या रहेगा आपके लिए। आपकी तो चांदी चांदी है। धनु राशि वाले जातकों के लिए बिजनेस करियर लव मैटर सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है, तो और क्या चाहिए। देवाधिदेव महादेव आप सबका कल्याण करें, ऐसी शुभकामना के साथ मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।